नमस्कार, न्यूज वन एशियन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। शिक्षकों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। बता दें कि पंचायत चुनाव के खत्म होने के तुरंत बाद शिक्षकों के नियोजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यानी कि जहां एक तरफ लंबे समय से शिक्षक इसका इंतजार कर रहे थे, काउंसलिंग की डेट जारी नहीं की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला ले लिया गया है जिसके तहत शेड्यूल जारी करते हुए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे ही बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होगा वैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार की ओर से अब शिक्षक नियोजन के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। नियोजन की प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। पंचायत चुनाव के बाद अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार के ऐलान के बाद नगर निकायों में 14, 15 और 16 दिसंबर को काउंसलिंग होगी, जबकि प्रखंड नियोजन इकाई में 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक काउंसलिंग कराई जाएगी। वहीं पंचायत नियोजन इकाई में 22 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। बताते चले कि बिहार में 14,000 शिक्षकों के पदों पर नियोजन के लिए काउंसलिंग होना था, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। पहली बार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय राज्य की 9,000 नियोजन में से 1300 इकाइयों में लगभग 14,000 शिक्षकों की भर्ती का काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने वाला था। संबंधित जिला अधिकारियों से इस संबंध में निदेशालय ने सुझाव भी मांगा था, लेकिन प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर इसे 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव खत्म होने के साथ ही इसकी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। इस तरह अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो ये बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया है। पहले भी शेड्यूल को जारी किया जाना था, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से इसमें देरी हुई। तो वहीं अब दूसरी तरफ 12 दिसंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो ये खुशी की खबर है उन शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, उनकी अब भर्ती करवाई जाएगी। जो प्रक्रिया है वो 12 दिसंबर से शुरू होगी, 22 दिसंबर तक चलेगी और ये शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि जहां एक तरफ पहले से वो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, बीच में पंचायत चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि जैसे ही 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव संपन्न होगा उसी दिन से यानी कि 12 दिसंबर से ही काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।